राधे। ऐसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में आदरणीय रोहतास शर्मा जी जनूथर से, रोहतास पंडित जी हमारे बीच में जो शूटिंग कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग के, बहुत अच्छे कार्य करता है, उनका साउंड एकदम बहुत अच्छा होता है। हमारे बीच में ये कार्यक्रम उनके द्वारा YouTube पर काफी बार प्रसारित किया गया है, धन्यवाद के पात्र हैं। तो बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहो तुम पुंज जासु वचन रवि करी कर। तो हे प्रभु तुम तो तुम्ही हो और के और तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका वो पाने वाला कौन है। तो हम आए तुमरी शरण और के कि हम आए तुमरी शरण वही और तुम हो सर्व आधार, ना वो मेरी मझधार में प्रभु खेच लगा दो। तो लीजिए, कम समय में ज्यादा बात करनी है। दो लाइनों के माध्यम से क्या और स्तुति करते हुए, कीर्तन मंडल बसई कृपया भोजन करने के लिए पहुंचने का कष्ट करें। कीर्तन मंडल बसई आसरा महात्मा जो भी है, एक तेरा श्री राधे आसरा, एक तेरा सहारा, सुन ले फरियाद मेरी हे माँ, सुन ले फरियाद मेरी माँ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी माँ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा। कहना है क्या, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी माँ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा सहारा, सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी माँ मुझे दे किनारा। आसरा एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा जहां भी हो तुम, अति शीघ्र इस मंचासीन पर मंचासीन हो जाओ। आपके सेवक आपको याद कर रहे हैं। ठीक, जखम जगने दिया है हाल किसी को बताऊं, कोई अपना नहीं है हाल किसी को बताऊं, जखम जगने दिया है जगने दिया है, थाल किसको दिखाऊं को।
कोई अपना नहीं है, हाल किसको बताओ हो। जख्म जगने दिया है, हाल किसको दिखाओ। कोई अपना नहीं है, हाल किसको दिखाओ। देखो एक तो चुपे ही मैया, एक तो चुपे ही मैया, चोर चलता है मेरा आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, सुन ले फरियाद मेरी, मां मुझे देख समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी टेढ़ी आंधियां चल रही हैं और के घन घमंड नवगर्जत घोरा, लेकिन माँ इस भवसागर से मेरी नाव को कैसे पार लगाओगी आप? क्या तो कहना है क्या? आंधियां चल रही हैं, रात भी है तूफानी, बड़ा गहरा भंवर है और कश्ती बुरा। समय में अपनी स्तुति पेश करते हुए एक छोटे से प्रसंग से मैं जोड़ना चाहूंगा आपके लिए। वो आपकी इच्छा, जितना आप चाहेंगे उतना। एक बहुत पुरानी बात नए रूप में रख रहा हूं आपके सामने। इसी मंच से मैंने उसको करीब, मुझे लग रहा कि 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं यहाँ पर फर्स्ट में आया था, तो आपके चरणों में मैंने एक बात रखी थी। वही बात मैं यहाँ नए सिरे से रखना चाह रहा हूं। यानी कि मैं यो कहूं, वैसे इस बात के ऊपर अभी, क्योंकि मैं तो यहाँ आके रुका हूं, फर्स्ट दौर भी हुआ होगा, पता नहीं किस पार्टी का किसके साथ में कोई कंपटीशन है या ये साधारण ऐसे ऐसे चल रहा है, कुछ ही ना ऐसा। लेकिन फिर भी सभी पार्टियां अपने कानों के अंदर मेरी बात को रखेंगी कि जिस वक्त श्री भैया जी, इसमें बेस डाल दो थोड़ा सा, राम जी वापस लौट के आ जाते हैं लंका से विजय प्राप्त करके। अब बात यहां से स्टार्ट होती है कि इधर श्री राम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सभा लगी हुई है, महलों के अंदर केकई मां विराजमान है। केकई ने सीता जी को अपने पास बुलाया, आसन पर बिठाया, सीता जी से एक बात पूछी
कि सीताजी तुम लंका के अंदर काफी दिन रही, क्या आपने अपनी इन आंखों से निहार के कभी रावण को देखा है? और आदरणीय बंधुओं, सीता जी ने हाथ हिला के इनकार कर दिया कि माँ मैंने रावण को कभी अपनी इन आंखों से निहार के नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन वो पापी मेरा पंचवटी से हरण करके ले जा रहा था उस दिन मैंने उसके दाहिने पैर के अंगूठे को जरूर देखा था। तो केकई ने कहा कि सीता जी बेटी क्या तुम उस रावण के दाहिने पैर के अंगूठे का चित्र दीवार पर बना सकती हो? बोला कि हाँ। केकई के कहने से सीता जी ने रावण के दाहिने पैर के अंगूठे का चित्र बनाया, सीता जी को विदा कर दिया और राम जी को बुलावा भेज दिया। और इसी बीच में केकई ने एक चाल चली, विशेष चित्रकार के माध्यम से उस रावण के दाहिने पैर के अंगूठे से रावण का पूरा चित्र दीवार पर बना दिया। ठीक, राम जी आते हैं आसन पर बैठते हैं, नजर जब दीवार की ओर जाती है और रावण का चित्र देखा, एकदम से राम जी खड़े हो गए और कहने लगे कि माँ मेरे सुंदर से महल के अंदर ये रावण का चित्र किसने बनाया है? केकई ने बड़े हंस करके जवाब दिया कि तुम्हारी धर्मपत्नी सीता जी ने दाहिने हाथ से बनाया है। अच्छा, राम जी लौट के गए, दरबार में पहुंचे, लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को बुला करके आदेश दे दिया कि प्रातःकाल होते ही सीता जी को रथ में बिठाना और रथ में बिठा करके बिहड़ जंगल में छोड़ के आना है और छोड़ने के साथ साथ भी सीता जी का दाहिना हाथ भी काट के लाना। ठीक, शोक छा गया। जब शोक छा गया उसके अयोध्या के अंदर तक बात आई, क्या प्रातः काल होने लगा तो कौशल्या की दासी कौशल्या के पास जाकर के दौड़ के पहुंची और कहने लगी कि मैया आज मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। कि कैसा देखे सुन के सुना तो क्या बताने लगी? कैसे भैया? आज मात सपने में मेरे रोहतास जी बहुत पुरानी चीज है आपके लिए। आज मात सपने में मेरे और पाग में बानरी आया, चारों लंग से घेरा उसने भारी शोरी मचाया। हर लड़ी लड़ाई सीता जी ने के और एक गजब कर डाला, राधे तुम्हारी मूल का मार सिया ने धरनी ऊपर डाला पीर बोरबंका। कौशल्या जी पूछने लगी दासी से कि बात क्या है? कि माँ मैंने इतना भयानक चित्र सपना अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कैसे? क्या देखा? तो बताने लगी कैसे छम छम करती आई सीता बिखरे बालों से, छम छम करते आए सीता बिखरे बालों से, छम छम करती आई सीता बिखरे बालों से, छम छम करती आए सीता बिखरे बालों से। छोड़े बाल कला ले अचानक राम ने हाथों से, छोड़े बाल करा ले अचानक राम ने हाथों से, छोड़े बाल करा ले अचानक राम ने हाथों से, करा ले अचानक राम ने हाथों से।
देना है क्या? इधर जब ये बात बताई कौशल्या जी के लिए, कौशल्या की दासी ने, इधर प्रातः काल हो गया। जब प्रातः काल हो गया तो लक्ष्मण ने रथ मंगाया सीता जी को, सीता जी को रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके लक्ष्मण जी बिहार जंगल की ओर रथ को ले जाने लगे। ठीक, चलते चलते दोपहर हो गया। दोपहर जब ढलने लगा, सांझ जब होने लगी, तो सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण जी आज मुझे आप बड़े उदास नजर आ रहे हैं। कभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। आप क्यों उदास हैं और आप वापस अयोध्या को चलने का नाम क्यों नहीं ले रहे? दिन छिप गया। लेकिन बात आई क्या, लक्ष्मण जी ने सुंदर से वृक्ष के नीचे रथ को रोका, सीता जी को उतारा, पूरा वृतांत बताया कि माँ श्री राम जी की इस तरीका से आज्ञा है कि मैं आपको वन में छोड़ के जाऊं और छोड़ने के साथ साथ आपका दाहिना हाथ भी काट के ले जाऊं। लेकिन माँ जिन हाथों ने भला आजीवन आपके चरण कमलों की सेवा की हो और के वो कैसे हाथ काट सकते, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? रो पड़े लक्ष्मण जी। जवाब दिया सीता जी ने, कैसे नहीं, क्या जवाब दिया? कैसे लेके जाओ, छोड़ के मत जाओ। सीता जी कहने लगी छोड़ के जाना लाला, हर कटे तो पे हाथ ना मेरे लालना, राधे भैया की बात रो ना टाल तेरे लाल। बीच में आदरणीय हमारे रोहतास पंडित जी जनुथर वाले ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करता कटारा पार्टी के साथ में। लेकिन गिना है किस तरीका से 100 रुपए का आशीर्वाद, कैसे भैया जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। तो लेकिन वहां पर सीता जी रोते रोते आंसू बहाते बहाते कहे लगी कि लक्ष्मण जी ऐसे नहीं, कैसे? मैंने मेरे जीवन में बहुत कष्ट भोगे हैं और की विधि ना विरोधे मोते साथ आप छूटे, 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 साथ आप छूटे लक्ष्मण भाग्य मेरे भूले, 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 और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय आदरणीय राम गोपाल जी खान सूरजापुर वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। लेकिन कहना है कैसे कि जब आंसू बहाते बहाते सीता जी कहने लगी कि लक्ष्मण जी आप हाथ काट के ले जाओ, लेकिन सीता जी ने जब ये दृश्य देखा कि लक्ष्मण मेरा हाथ नहीं काट सकता और ना ही मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक, तो सीता जी ने थोड़ी भैया जी
ऐसा लगने लगा कि सीता जी अब नींद अवस्था में हैं। जब लक्ष्मण ने ऐसा जाना कि सीता माँ सो गई है वृक्ष के नीचे, तब मौका देखा किसी ने, लक्ष्मण ने, लेकिन किया क्या? क्या? रथी को घुमा के पीछे लौट के चला है, रथी को घुमा के पीछे लौट के चला है, रथी को घुमा के पीछे लौट के चला है, रथी को घुमा के पीछे लौट के चला है, बल पीछे आके देखो सोच में पड़ा है, बन बीच आके देखो सोच में पड़ा है, बन बीच आके देखो सोच में पड़ा है। तो बोलने में मना कर रहा हूँ भैया, बाजे वाले कहाँ हो, बाजे वाले इसको ठीक करो, ये आवाज खींच रहा है आपका, इसको ठीक करिए आप लोग प्लीज। लेकिन जवाब दिया हो, बिना हाथ जाऊं कैसे, बिना हाथ जाऊं कैसे, अरे मेरे लाल ना मेरे लाल ना, भैया की बात को वही नींद अवस्था में छोड़ दिया कि जब लक्ष्मण ने ऐसा लगा कि मां सो चुकी है। थोड़ी दूर निकले अयोध्या की ओर जा रहे हैं, लेकिन जब ऐसा देखा मन में एकदम विचार आया कि तू बिना हाथ लिए जा रहा है, आखिर तू अपने भाई को मुख कैसे दिखाएगा, रथ को रोक दिया, उतर पड़े। मन में विचार कर लिया कि मुझे जंगल से सूखी सूखी लकड़ी काट करके चुननी है, चिता बनानी है, और चिता में जल करके भस्म होना है, क्योंकि ना रहेगी पास ना बजेगी बांसुरी। रोने लगे, कहने लगे, तो लेखक ने एक रागिनी के माध्यम से बताया कैसे कैसे। अरे लकड़ी चुनता फिर ये लक्ष्मण और चिता की खातिर पन में राधे हर पन में हर रह रह ख्याल उठे थे बीर के लग रही आग बदन में रा लग रही आग बदन अंदर चैन नहीं पड़ रहा है। ठीक, राम जी ने सोचा कि मैं देखूं तो सही दिव्य दृष्टि से कि लक्ष्मण और सीता जी हैं किस अवस्था में, और
जब राम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि लक्ष्मण तो चिता में जल के भस्म होने वाला है। एकदम से विश्वकर्मा का आह्वान किया, पास बुलाया, समझाया कि देख भैया, भाई जैसी चीज दुनिया में दोबारा कैसे मिलेगी, मेरे भाई लक्ष्मण को तू जाके बचा ले कैसे भी। विश्वकर्मा ने लकड़हारे का भेष बनाया, उस जंगल से लक्ष्मण के सामने से गुजरने लगा। लक्ष्मण की नजर जब लकड़हारे रूप विश्वकर्मा के ऊपर पड़ती है तो एकदम से आवाज लगाई, करे लकड़हारे रुकना भैया। बोला कि क्यों? कि तेरे अस्त्र शस्त्र चाहिए। बोला कि क्यों? कि मुझे सूखी सूखी लकड़ी काटनी है। बोला कि क्यों? कि मुझे चिता बना के जल के भस्म होना है। रो पड़े। विश्वकर्मा ने समझाया क्यों मरते हो जिंदे, क्या कारण है। लक्ष्मण जी ने रोते रोते कहा कि भैया मैंने मेरे जीवन में बड़े कष्ट सहे हैं, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। तो लेकिन कह दिया कैसे कैसे। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेरे हैं, राधे भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और क्या? भाई को जाकर के दे देना। लेकिन कहा कैसे? दुनिया बनाने वाले जरा पास आना हो, दुनिया बनाने वाले जरा पास आना, दुनिया बनाने वाले जरा पास आना हो, कमेटी की तरफ से यह आदेश मिला है, कृपया वो उजीते में भोजन कर लें। और एक दान दादा का नाम छूट गया था,
श्री राम गोपाल जी खान सुरजापुर ये स्थानीय कीर्तन मंडल को 500 रुपए देकर के गए हैं। राम गोपाल सुरजापुर 500 रुपए। ताली बजा के स्वागत करें सभी एक बार। और लीजिए राम गोपाल जी के लिए एक लाइन हम अर्पित कर रहे हैं अब। क्या हो मेरे बाके बिहारी लाल राधे तू इतना ना करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर